हेलो गाइस, जो भी स्टूडेंट SSC MTS 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका एग्ज़ाम चला था 2 मई से 19 मई और 13 जून से 20 जून तक, तो वो सब स्टूडेंट है जो आंसर की का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका आज इंतज़ार है जो ख़त्म हो चुका है। आज इसका आंसर की है जो जारी होने का डेट है जो जारी हो गया है, और इसका अपडेट भी आ गया है, इसका नोटिस भी आ गया है। चलिए इस वीडियो में आपको हम नोटिस को दिखाते हैं और अपडेट का आपको हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुँच सके, ताकि सारा स्टूडेंट है जो जान सके कि आंसर की है जो जारी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम अपडेट को दिखलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमर उजाला पेपर के माध्यम से एक अपडेट निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। SSC MTS 2023 के लिए आवेदन फॉर्म विंडो 18 जनवरी 2023 को खोली गई थी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2023, जिसका डेट भी एक्सटेंड हुआ था। और यहाँ पर दिया गया है SSC MTS की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट है जो अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर रोल नंबर और पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा और अपना पासपोर्ट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होता है पासपोर्ट, तो उसी को डालना है। और यहाँ पर स्टेप भी आपको बतलाया गया है कि कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए उस स्टेप को आपको हम दिखलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टेप भी दिया गया है, SSC MTS आंसर की 2023 ऐसे करें चेक। तो यहाँ पर पहला स्टेप यहाँ पर आपको दिया गया है, कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। यहाँ पर दिया गया कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, जो कि SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर है जो लॉगिन करें। फिर यहाँ पर दिया गया है उत्तर कुंजी बटन पर क्लिक करें, तो उसमें आपको उत्तर कुंजी जो कि आंसर की का जो ऑप्शन दिया रहता है, तो उस पर जाके क्लिक करना होता है। फिर आगे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है SSC MTS फाइनल आंसर की 2023 लिंक पर क्लिक करें, तो उसमें आंसर की का जो लिंक दिया रहता है, जब भी आप आंसर की पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस लिंक मिलेगा फाइनल आंसर की 2023 का, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दिया गया है SSC MTS उत्तर कुंजी 2022 PDF डाउनलोड किया जाएगा। और फिर यहाँ पर दिया गया है SSC MTS उत्तर कुंजी 2022 डाउनलोड करें और सहेज करें। तो आपको हम वेबसाइट पर ले जाकर आपको हम दिखलाते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च बारे में आपको लिखना है SSC, इस तरह के लिख कर जो आपको सर्च मार देना है। तो अब जैसे ही सर्च मारते हैं, फिर नीचे एक वेबसाइट देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि इसका वेबसाइट अभी है जो बंद हो चुका है, क्योंकि इस वेबसाइट पर अभी काम चल रहा है। अभी इसका आंसर की जो जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज कभी भी इसका आंसर की जो जारी हो सकता है 26 जून को, जो कि आज 26 जून हो गया है। और पिछले वीडियो में ही आपको हम बतला चुके हैं कि 26 जून को आंसर की है जो जारी होने वाला है, तो आज इसका आंसर की है जो जारी हो जाएगा, क्योंकि इसका वेबसाइट पर भी है जो काम चल रहा है। आज पक्का आंसर की है जो जारी हो जाएगा शाम शाम तक। अगर शाम शाम तक नहीं होता है तो आपको 27 जून को पक्का है जो आंसर की इसका जारी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे ही इसका आंसर की है जो जारी होगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से हम अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं।